इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जर्नलिज्म के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ तो लोग आज बाहर आए, वही तो बोले लोग। आज ये बिल्कुल खामोशी तारी, ये नहीं कि यहां कोई घटनाएं ऐसी नहीं होती। रोज कितने गरीबों का खून होता है, जाने से तो दुकान खोल मिल गया था किसी और के लिए। अगर प्रोफेशन में आए तो प्रोफेशन के कोई बेसिक चीजें, और बेसिक चीजें हैं यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू बिलीव इन। और अगर सचमुच आप एक ईमानदारी के नौकरी जाना तो आसान जाता है, लेकिन कम से कम लोगों के सामने तो रहे ये देखो ये आदमी मजे मुका रहता है, ये इसने पैसा खर्चा कर लिया, ये सब क्रेडिबल। आज कैसी क्रेडिबिलिटी अखबार की, टीवी की, जर्नलिस्ट की। बहुत हम आज डेमोक्रेसी में जितनी ताकत मीडिया के पास है किसी के पास नहीं। लेकिन ये वॉटरशेड था मेरा ख्याल है इमरजेंसी, जिसने देखा मालिकों ने कि ये तो जर्नलिस्ट भी तो बह गया था, तो मैं क्यों नहीं अपने आप में ले लेता। वो देता है, वो आपको डिक्टेट करता है। 99% इस देश में मालिक और एडिटर के मतलब उसके अभ्रता है या उसकी अगर उनका होता है अपमान में नहीं, क्योंकि बहुत घूमता हूँ दूसरा मेरा जो सिंडिकेट कॉलम है तो मुझे पता है कि क्या है। सब जो प्रोफेशनल किस्म का एडिटर वो खत्म हो गए, बहुत एक दो नहीं दो तीन होंगे। और आज एडिटर क्या है, मैंने लखनऊ में ही तीन चार साल पहले यहाँ प्रेस क्लब में उस एडिटर को डिफेंड किया, तो एक आदमी ने उनके कहा कहते हैं क्या बात करते हैं मेरे साहब, ये तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, ये तो मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए हैं, कौन सा एडिटर आपके पास कैसे इस तरह है शायद सच्ची है। अगर पहले तो ये हमें इसकी बात की आवाज उठानी चाहिए, ये जब जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है वही लगेगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है गलत है, उसके लिए कोर्ट में जाए, उसके लिए कुछ यूनियन से बात करें, कुछ आवाज उठाए, क्योंकि ये लड़ती रहती है तलवार तो होता ही होता है। अच्छा, और दूसरा वो फिर उतना ही नहीं, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम हो जाता है, वो फिर कहता है मालिक को कि हाँ वो जो आदमी है ना वो जरा करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से ऊपर करता है तनख्वाहें पैसा या पर्क्स वगैरह ये सब चीज। तो अगर है तो ये इसी तरह है। मुझे याद है कि हम जब ये बाबरी मस्जिद इस टूटी नहीं जब उसका बनाने का होता तो कुछ हुआ था अपने गाता हूँ कोशिश की, तो हम एक एडिटर की तरफ से एक टीम लेके आए। तो यहाँ पे एक अखबार ने कहा कि 1000 आदमी मारा गया। अब 1000 बहुत एक्सेजरेटेड, तो हमने पता लिया क्या बात है, तो उस जो रिपोर्टर था उससे पूछा, वो कहने लगा कि देखिए मैंने इसको ऑन द लो साइड रखा था 10-15, जब डेस्क पे पहुंचता है तो कहते हैं अरे इसे तो नहीं, उन्होंने जीरो लगा दिया 100 गए। कहता जब मालिक ने देखा करे ये तो उसने एक और जीरो लगा दिया 1000। तो ये जो तो चीज है, क्या ऐसे जर्नलिस्टों के हमारे पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रीडर है वो देखता नहीं बेचारा, वो हमारी आंखों से देखता है, वो पढ़ता है। आज उसको थोड़ा सा शक शुरू हो गया, लेकिन अभी भी जो निकलता है अखबारों में वो समझता है कि भाई हाँ यही ऐसा।